प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास वर्कशीट नंबर 10 जिसका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसमें हमारे पास जो आयतन, हम किस किस ठोस ज्यामिति, ठोस आकृतियों का निकालेंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक आकृति आती है जिसको हम कहते हैं घन, और घन हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है जो हमारे पास जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो सभी बराबर होती है। सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लें कि ये जो लंबाई है वो ए इकाई है। यदि हम कह दें कि ये ए इकाई या यूनिट, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, तो ए इकाई ये हो गया डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर, सेम उसकी ऊंचाई भी हमारे पास ए इकाई होगी और उसका जो चौड़ाई है वो भी ए होगी। इस तरह से हमारे पास तीनों लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी सभी बराबर है। तो यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास इस एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक तल, हमारे पास कितने तल हैं? यहाँ हम बात करेंगे, यदि एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास ये जो रूम है, कमरा है, ये एक घनाकार है। घनाकार मतलब इसकी सारी जो भुजाएं हैं, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वो सभी बराबर है। तो इसमें कितने तल है? एक छत है, फर्श है, चार दीवारें हैं। तो एक तल यदि हम देखेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक तल का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारे पास भुजा गुना भुजा, यदि हम देखेंगे भुजा गुना भुजा का ए गुना ए, हम इसको भुजा गुना भुजा कह दें, तो यहाँ क्षेत्रफल आएगा एक उसका। अब यदि भुजा गुना भुजा कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ए स्क्वायर वर्ग इकाई। अब इसमें यदि सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर करेंगे, यदि हमें मीटर दे रखा है तो उसको वर्ग मीटर करेंगे, यहां भी हम इसको वर्ग इकाई कहेंगे। तो अब हमारे पास यदि एक तल का क्षेत्रफल आ जाता है तो हमारे पास तल कितने हैं? टोटल तल तो 6 हैं, लेकिन यदि हम छत और फर्श को हटा दें तो उसको हम कहते हैं घन का वक्र। वक्र का मतलब है हमारे पास 4 तल, वक्र से क्षेत्रफल जो होगा वो हम 4 तलों को लेके करेंगे, 4 तल में 4 और गुना 1 वर्ग इकाई। यदि हमारे पास 4 दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल नहीं होगा, यदि 6 दीवार ले लें, 6 तल ले लें, या घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ले लें, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लेंगे तो 6 गुना कर देंगे हमारे एक तल का, मतलब 6 एक स्क्वायर और ये वर्ग इकाई। इसी तरह से यदि हमारे पास ये पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, अब हम यदि घन के आयतन की बात करते हैं तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन मतलब उसमें कितनी सामान, कितने कैपेसिटी आ सकती है। तो घन का आयतन क्या होगा? उसकी लंबाई, अब यदि एक बेसिक सूत्र पढ़े तो कहेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। यदि हम इसमें इन बातों का ध्यान रखें कि हमारे पास ये आधार का क्षेत्रफल क्या है और ऊंचाई क्या है, वो किसी भी आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका आधार का क्षेत्रफल निकाल उसकी ऊंचाई को गुणा कर दें, तो हमारे पास किसी भी आकृति का आयतन आ सकता है। ये हम घन के लिए ले रहे हैं, यदि बेलन हो तो बेलन का ले सकते हैं, घना हो उसका ले सकते हैं। तो यहाँ घन की बात कर रहे हैं तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? एक तल का क्षेत्रफल, तो वो हमारे पास से भुजा गुना भुजा कह दें और इसकी ऊंचाई भी बराबर है, वो भी भुजा गुना भुजा भुजा हो जाएगा। तो यहां हमारे पास 3 बार भुजा का गुना करना पड़ेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं भुजा की घात 3, या हम यदि भुजा को एक लिख लें तो हमारे पास क्या होगा, वो हम लिखेंगे ए की घात 3 घन उतनाई। आयतन के लिए हमें हर बार इसका मात्रक जरूर लिखना पड़ेगा, घन इकाई, जिसको हम यदि सेंटीमीटर में ये दे रखा हो हमें तो हमें घन सेंटीमीटर लिखेंगे, और वर्ग यदि हमें मीटर में दे रखा है तो वर्ग घन मीटर लिखेंगे। इस तरह से आपके पास घन की बात आ गई। अब हम दूसरी चीज लेते हैं घनाभ। अब घनाभ क्या होता है? यदि घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ क्या होगा? सबसे पहले तो उसको समझना जरूरी है कि घना में कैसे आकृति है जो लंबाई चौड़ाई उसकी अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है,
यानी उसकी सभी भुजाएं आपस में अलग अलग हो सकती है। तो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई और ऊंचाई ये हो गई। इन सब के लिए कॉमन मास्टर होता है, चाहे वो लंबाई है तो वो सेंटीमीटर में कहीं दे रखा होगा या इकाई में दिया होगा, उसको हम इस तरह से लिखेंगे एल इकाई, बी इकाई, और ऊंचाई को लिखेंगे तो एच भी ऊंचाई होगी, इकाई होगी उसकी। लेकिन ये इकाई क्या होगा ये हमें देखना होगा कि वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है या किलोमीटर में है, जो भी होगा हम उसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ आपके पास क्या होगा कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल जैसे घन का क्षेत्रफल निकालना वैसे हमारे पास घनाभ का क्षेत्रफल है। अब फिर हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे पास ये रूम जो है वो घनाभ की आकृति का है। अब घनाभ में क्या होगा, लंबाई अलग है, छोटाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो एक तल हमारे पास यह है, यदि हम इसको समझे कि ये जो तल है नीचे वाला फर्श है यही आकृति से ऊपर भी है, तो हम नीचे वाला एक तल और ऊपर वाला तल निकालें तो हमें सब अलग अलग मिलेंगे। लेकिन दो सेम होंगे, जैसे फर्श और छत बराबर है, दोनों साइडों की भुजा बराबर है और आमने सामने की भुजा बराबर है, तो यदि एक भुजा का एक तल का क्षेत्रफल निकालें, उसको दुगना कर दें, तो हमारे पास आमने सामने की भुजाओं का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किसी एक तल का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो एक तल का क्षेत्रफल क्या होगा, हम यहाँ बात करते हैं कि यदि लंबाई और चौड़ाई गुणा करें तो यहाँ में एक तल हो जाएगा, दूसरा ये होगा, तो कुल हम ये बात कर सकते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, ये एक नीचे वाला क्षेत्रफल है तो वो दो गुना एल गुना भी आएगा। ऐसे ही यदि बराबर की दोनों भुजाओं को देखेंगे, तल को देखेंगे, तो उनको भी गुना करेंगे, बी गुना एच करेंगे, और हमारे पास जो आमने सामने की दो भुजाएं हैं उनका भी गुना करेंगे तो ये एल गुना एच हो जाएगा। यदि हम यहां से दो गुना कोमल ले लें तो ये एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इस तरह से लिखे तो ये घनाभ का कुल पृष्ठ क्या है, कुल पृष्ठ। अब यदि हम ये बात कर रहे हैं कि कुल आया है तो हमारे पास वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो उसमें हमारा छत या फर्श नहीं होगा, ये हमारे पास कुल आया। अब हमें छत और फर्श को हटाना है, मतलब ये लंबाई और चौड़ाई को हटाना है, लंबाई और चौड़ाई को हटा दें, इसको हटा देंगे तो बाकी जो दो बचेंगे उसको देखेंगे, यहां लिख देते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होगा। अब यहां वक्र पृष्ठ की बात करके लिखेंगे तो इसलिए लिखेंगे वर्ग इकाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, यहां पर आप इस दोनों भुजाओं के क्षेत्रफल को, दोनों भुजाओं के दो तल फर्श और छत को हटा दें तो बाकी ये बचेगा, इसमें आप दो को मान लें तो ये बी एच एल एच हो जाए, इसमें भी कुछ और लिखना चाहे तो एच कॉमन है तो दो एच को बदल दे तो यहाँ बी प्लस एच हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो यहाँ दो गुना बी प्लस एच लिख दे गुना एल, यहाँ पर आएगा एल, हम इसको आधार की लंबाई प्लस चौड़ाई, और यदि हम उसको दुगना कर दें और उसको ऊंचाई से दुगना कर दें तो ये हमारे पास नया सूत्र बनेगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। अब देखो किसी भी आकृति का यदि हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हर बार हमारे पास क्या होगा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। यदि हम घन का भी वक्र पृष्ठ निकालते तो उसको भी देखो, चार आधार का वर्ग क्या होगा, आधार का परिमाप क्या होगा, आधार क्या है, वर्ग आकार है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप होता है चार गुना भुजा, तो चार गुना भुजा लिख दो इसको और उसकी ऊंचाई से गुना कर दो तो क्या होगा, चार ए गुना ए, चार ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहां भी हमने घनाभ के लिए किया कि घनाभ का आधार है उसकी आधार भुजाओं का योग का दुगना
उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें तो ये आधा का परिमाप गुणा ऊंचाई करेंगे तो हमारे पास घनाभ का वक्र से क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आता है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन यदि हम कहें कि इस कमरे का आयतन क्या होगा, तो हमें क्या चाहिए? सेम यहां देख रहे हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो यहां भी आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसमें लंबाई होगी गुना चौड़ाई होगी और गुना ऊंचाई। अब यदि हम देखेंगे कि लंबाई को हम एल कह रहे हैं, चौड़ाई को बी कह रहे हैं और ऊंचाई को एच कह रहे हैं, तो यहां हम इसको एल बी एच घन इकाई लिख देंगे और इसमें हमारे पास घन इकाई का मतलब है कि वो सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर और मीटर है तो घन मीटर, जिसको यदि और लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है बेलन। अब बेलन की बात करते हैं तो बेलन क्या होता है? बेलन है पाइप। अब पाइप जो होते हैं उनका प्रस्थ क्षेत्रफल वो बेलन बनते कैसे हैं? ये आपका 9th का टॉपिक है, आपका 13 चैप्टर था 9th में, उस पर आधारित ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम यदि इनको देखें वन बाय वन तो हमने घन और घनाभ को लिया, आगे हम देखते हैं तो उसमें बेलन को देखें तो बेलन क्या होता है? बेलन एक पाइप। अब इसकी आकृति बनाए तो क्या होगा? ये एक हमने पाइप आकृति बनाई जिसको हम बेलन कहते हैं या इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। बेलन और सिलेंडर का मतलब है कि एक ऐसी आकृति, एक ऐसा पाइप जो ऊपर और नीचे से बंद हो सकता है और खुला भी हो सकता है। बंद हो या खुला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें मालूम होना चाहिए कि ये एक बेलनाकार है। अक्सर हमारे घरों में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेलनाकार होती हैं, ग्लास होते हैं बहुत सारे बेलनाकारी होते हैं, कुछ और भी हम बुकलेट पेपर पेपर को देखें तो प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर को रोल कर दें तो एक हमारे पास पाइप नुमा शेप बन जाती है जिसको हम बेलन कह सकते हैं या पाइप भी कह सकते हैं। अब यहां आता है जो एक पेपर है इसको बनाने के लिए हमने क्या किया? एक यदि हम सीधा एक पेपर ले लें इस टाइप का, यदि हम इसको रोल कर दें यहां से रोल करेंगे तो ये एक पाइप नुमा या सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। ये एक सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, आयताकार सीट है, आयताकार सीट को यदि रोल कर दें तो ये हमारे पास एक पेन का होल्डर जैसे बना, तो एक सीट से बना। जितने भी पाइप फॉर्म बनते हैं तो वो सभी एक सीट के द्वारा बनते हैं, उनको रोल किया जाए तो ये सिलेंडर बनता है। अब जितना क्षेत्रफल इसका है उतना भी इसका भी होगा, क्यों? क्योंकि इसी से तो ये बना। यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या होगा? इन दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। अभी देखो ये यदि एल हम ले दें एल का है और ये एच दे दें, लेकिन ये जो पार्ट हम रोल करते हैं वो इसके बराबर होगा, इसको कहते हैं परिधि। इसको यदि हम गोल घुमा दें और पेपर के दोनों एंड को जोड़ दें तो ये जो पाइप सीट है वो एक पाइप के रूप में बदल जाएगा और ये लेंथ का जो मान है वो इसके सर्कमफेरेंस परिधि के बराबर होगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र बात करते हैं। बेलन का वक्र क्या होगा? बेलन का वक्र, आपके पास ये सीट है तो सीट एल गुना बी इकाई वर्ग इकाई हम इसको लिख दें, तो एल गुना बी हो गया, इस सीट का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? बेलन का वक्रस्थ है तो बेलन का वक्रस्थ ऐसे कैसे हो गया? हाँ होगा, क्यों? क्योंकि जो एल है वो क्या है? हम जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि है वो क्या होगी? वरिन परिधि, वृत्त की परिधि हमारे पास होती है। यदि हम देखेंगे तो ये जो L है वो 2 पाई R के बराबर होगा, इसके सर्कमफेरेंस परिधि के बराबर होगा 2 पाई R होगा। तो यदि यहां 2 पाई R है और यहां B को H रख दें
तो ये हमारा 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। हमने कुछ नया नहीं किया, एल हमारे पास ये लंबाई थी, इसको रोल किया तो बेलन का रूप बन गया, इसकी ऊंचाई जो थी वो ऊंचाई यूज कर दी, तो हमारे पास एल बटा बी बराबर 2 पाई आर एच हो, इसको हम भाग निकालेंगे। अब इसके बाद ये आता है कि इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल तो एक ये सर्कुलर यहां से मिलेगा तो एक सर्कुलर नीचे ही तो होगा, ये दोनों वृत्त है, इन दोनों वृत्तों को यदि हम यहां जोड़ दें इसमें तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। अब यहां ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर होता है, यदि इसमें हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये तो आ गया 2 पाई आर एच, लेकिन एक पाई आर स्क्वायर ये और दूसरा एक पाई आर स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां हम ले लेते हैं कि ये 2 पाई आर कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या हुआ एच प्लस आर बच गया, ये हमारा वर्ग इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। अब देखो कि यदि हम देखें कि हमारे पास वक्र पृष्ठ चाहिए था तो ये सीट हो गई, उसके साथ कुल चाहिए तो इसके दो सर्कुलर पार्ट को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। सपोज करो कि एक पाइप है, उसको हमें बंद करके तैयार करना है, उसको बंद करना है दोनों तरफ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके दोनों वृत्त को प्लस कर देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। पाइप बनाना है, कोई सिलेंडर बनाना है तो कैसे बनेगा, उसकी जितनी सीटी ये चाहिए और ये दो सर्कल चाहिए तो हमारे पास। अब इसका आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन भी आप देखेंगे तो जो हमने घन और घनाभ के लिए आयतन दिया था वही होगा आधार का क्षेत्र, तो आधार का क्षेत्र क्या है वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्र हमने पाई आर स्क्वायर लिया, तो यदि हम यहां गुणा कर दें पाई आर स्क्वायर गुणा एच तो यहां गया पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, तो यहां आपके पास बेलन का आयतन दिया। अब बात आती है कि ये बेलन का जो आयतन है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये सारी चीजें हमारे पास। हम बात करें अब शंकु की, शंकु हमारे पास जो होता है, शंकु एक ऐसी आकृति है जो बेलन से ही बनती है, ये ऐसी भी हो सकती है और ये ऐसी भी हो सकती है। ये शंकु की आकृति आपने 9th grade में देखी थी, इसको हम कौन भी कहते हैं, जैसे आप आइस कौन खाते हैं, आपके बर्थडे कैप होती है वो भी इसी शेप की होती है, इसमें एक हाइट भी होती है, यहां भी हाइट होती है, ये उल्टा कौन हो सकता है, ये सीधा कौन हो सकता है, इसको कह सकते हैं। अब यहां पर ये जो दूरी है इसको हम कहेंगे त्रिज्या, इसको कहेंगे ऊंचाई, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट है त्रिज्या मालूम हो गई, त्रिज्या मालूम हो गई और ऊंचाई मालूम, फिर आप इसके पास जो है त्रिज्या ऊंचाई भी आती है, ये हम उसको त्रिज्या ऊंचाई मानते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि इसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होगा। अब पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो हम क्या कैसे निकालेंगे इस पर डिस्कस करेंगे।